अरे बाबा मेरा नाम है करण टी बिजलानी, मैं एक सिंधी वाणबी गैंगस्टर है पिक्चर में, लंदन में रहता हूँ और बिजलानी नाम इसलिए क्योंकि मैं लोगों को और करण टी क्योंकि मैं लोगों को करंट दे के टॉर्चर करता हूँ। इनफैक्ट एक सैफ और एक रितेश पागल मेरी वजह से हो गए, मैंने उनको इतने करंट दिए, इतने शौक दिए कि पागलखाने पहुँच गए। थोड़ा सा विलन कैरेक्टर हूँ लेकिन मजबूरी में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ जो हादसे होते पिक्चर में उससे देख के आपको हंसी आएगी। जो टाइपकास्ट रोल आप करते हैं वो कहीं से इंस्पिरेशन लिया आपने, कई फिल्मों में आप कर रहे हैं? देखो जो भी मैं कैरेक्टर्स करता हूँ साजिद की फिल्मों में ना, साजिद ये कैरेक्टर्स कर चुका है ऑलरेडी टीवी पे और ये सब साजिद के ऑल्टर ईगो है, जो साजिद खान रियल लाइफ में नहीं कर सकता वो चंकी पांडे को करवाता है। मेरे एक और सवाल सर, लीड एक्टर आपने 80s में 90s में काफी फिल्म किया है, हाँ, तो एक लीड एक्टर को एक कॉमेडियन का अगर मिलता है तो पता ये कॉमेडियन है तो वो सेटिस्फाइड लगता है या क्या खुशी मिलती है आपको? पागल हो गया तू, मैं कॉमेडियन थोड़ी हूँ, मैं तो लीड एक्टर हूँ पिक्चर का। ये अलग बात है कि मेरा फोटो नहीं है पोस्टर पे लेकिन आई एम द हीरो ऑफ द फिल्म यार। और फिर साजिद खान के डायरेक्शन की बात करेंगे तो किस तरह के डायरेक्टर पाते हैं साजिद खान को? साजिद खान तो मुझे लगता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फिल्में बनाता है, उसकी जो डायरेक्शन है बहुत कम लोग उसके डायरेक्शन के नीचे काम कर सकते हैं बिकॉज वो जो लिखता है वो करता नहीं है और जो सेट पे आता है और करता है वो कैमरा के सामने नहीं करता है, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी फन वर्किंग विद हिम बिकॉज वो हमेशा इम्प्रोवाइज करता है। जैसे कि अगर मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो वहाँ खड़े रह के बोल के चंकी ये बोल दे, चंकी वो बोल दे, चंकी ये कर दे, वो कर दे, तो वो हमेशा सिचुएशन देख के बदलते रहता है, स्मॉल एक ड्रामा, वो ड्रामा क्रिएट करता है और इसलिए मुझे लगता है उसकी फिल्में इतनी सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रोवाइजेशन। और रोल के लेंथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी आर्टिस्ट का रोल कम है फिर भी अगर इन्फ्लुएंशियल है तो वो कितना? देखो जब आप कोई बड़ी फिल्म देखने जाते हैं, कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, हिट पिक्चर देखने जाते हैं, तो आपको दो तीन सीन ही याद आते हैं और वो फिल्म आपको हर, अगर आप कोई फिल्म देखो, अगर आप शोले भी देखो तो आपको दो तीन अच्छे अच्छे सीन याद आएंगे। तो मैं समझता हूँ एज एन एक्टर इवन इफ यू गेट वन गुड सीन इन अ फिल्म आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। साजिद के डायरेक्शन की अपनी तारीफ की, लेकिन साजिद की पिछली फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पिक्चर का नाम हिम्मत वाला था, वो साजिद ने डायरेक्ट नहीं की थी, उसके हमशकल ने डायरेक्ट की थी। और इस बार हमशकल में तीन ट्रिपल रोल है उनका, हाँ, आप एक विलन कैरेक्टर है तो कैसे, कितना डिफिकल्ट? मेरे भी ट्रिपल रोल है, मैं हूँ करंटी बिजलानी और मेरे दो बॉडीगार्ड जो बोने हैं, एक है थापा और दूसरा उसका पापा, और वैसे सैफ, रितेश और राम कपूर के तीन तीन हमशकल हैं और सुनने में आता है कि हम सबके हमशकल हैं, दुनिया में 8 हमशकल होते हैं लेकिन इनके जो तीन हमशकल है, एक तो एकदम नॉर्मल है, दूसरे एकदम पागल है मेरी वजह से और तीसरे एकदम गे हैं, हाय हाय। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। थैंक यू। कौन सा वाला? मम्मा मिया आई एम अ जोके, मम्मा मिया आई एम अ जोके। और एक मैसेज किसको? व्यूअर्स को। भाई हम भाई मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ जैसे कि मैं वोट मांग रहा हूँ, मेरी पिक्चर जरूर देखना हम शक्ल, और जब मैं स्क्रीन पे आऊँगा सीटियाँ तालियाँ भरपूर। थैंक यू।